सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रिल चक लाया था जो कि आइडियल कंपनी का है और 10 mm का है। तो फ्रेंड्स, ये लगभग मेरे को 120 रुपये का मार्केट में मिला है और आप थोक की दुकान से या फिर रिटेलर शॉप से लाओगे तो आपको कम कम मिल सकता है, लेकिन इस पर तो 120 रुपये लिखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे खोलते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का हमारा जो चक है वो मिलता है हमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कीलेस और प्लास्टिक वाला लेना है वो 200 रुपये का आता है और उसमें की नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, वो स्क्रू ड्राइवर के लिए ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक 775 मोटर है जो कि मैंने लोकल मार्केट से 250 रुपये की परचेस की है। अब मुझे दिक्कत क्या आई थी कि मेरे को DC ड्रिल बनाना था और इसमें फिट नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया आया, वो आया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वॉल है जो कि आपको मार्बल कटिंग मशीन रहती है उसके साथ फ्री मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉरएवर कंपनी की जो मैंने ड्रिल मशीन कटर मशीन खरीदी थी उसके साथ मुझे मिला था। तो फ्रेंड्स, देख सकते एकदम फिट बैठ जाता है इसमें ये। तो सबसे पहले हम इसको वॉल को खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो ये 5 या 10 रुपये में आपको कोई भी जहाँ रिपेयर होती है पावर टूल मशीन वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसका नट खोल देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पे देखी लेकिन उसमें नट्स के होल करके बता रहे हैं, तो लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लगभग आपको 50 से 100 रुपये खर्चा आ जाता है उसमें लेथ वाला वगैरह। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें इसका जो मोटा वाला साइज पार्ट है वो निकालना है। सबसे पहले हम जो पाइप है, फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमें मोटा वाला पाइप जो पार्ट है उसको निकालना है। तो सबसे पहले आजू बाजू का जो पार्ट है उसको हम काट देंगे ग्राइंडर की मदद से। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब हम लाते हैं हमारा ग्राइंडर। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें आयरन कटिंग डिस्क लगा लेनी क्योंकि वो आयरन का है। अगर आप एल्यूमिनियम का लेना चाहते हो तो एल्यूमिनियम का मिलता है, लेकिन उसमें आप हैवी काम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आयरन का चूज़ करा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसा काटूँगा तो उछल के लग सकता है, इसलिए मैंने दो अपनी टीन की पत्ती ली है, उसे नट से कस दिया। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं अभी हिल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम अच्छे से काट लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, ग्राइंडर का इस्तेमाल करते समय सेफ्टी गॉगल्स और ग्लव्स वगैरह सब पहन रखिए। ग्लव्स को तो नहीं पता लेकिन सेफ्टी गॉगल्स जरूर पहन रहे थे। फ्रेंड, देख सकते हैं इस साइड का कट गया, हमें इस साइड का भी काटना है। तो फ्रेंड, नट खोल देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से नहीं काट सकते, इसलिए हमें निकालना वापस और होल के साइड में, जहाँ होल है उसके साइड में से हमें काट देना है। तो फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से काट देते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं फुल्ली आयरन का ही। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखे आप पूरा समझने के लिए, नहीं तो आपको फिर बोलेंगे कि फिट नहीं बैठ रहा और ये नहीं बैठ रहा, इसलिए वीडियो को पूरी देखे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको निकाल लिया है तो हमें ये आला पार्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो होल की मोटाई है वो हमारी मोटर के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ जाती है, एकदम टाइट फिट बैठ जाती है, जिससे आप ठोक के उसे और टाइट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यकीन मानिए फुल्ली वर्क करती है। इसमें मैंने एक एंगल ग्राइंडर बना लिया है और ड्रिल मशीन भी बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें जो पावर सप्लाई बनाई थी, पावर सप्लाई की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी, तो पावर रेगुलेटर के साथ मिलता है आपको, तो मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं चालू करते हुए सैंड पेपर से, अगर थोड़ा मोटा है तो हम चक के हिसाब से उसको घिस देंगे, क्योंकि कुछ चक के जो होले वो बड़े छोटे होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका आइडियल का है तो उसका साइज सेम होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं लगभग घिस देता हूँ उसको इतना हमारे चक में। फ्रेंड्स, याद रखिए थोड़ा टाइट रहना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, तो फिर बाद में आपका निकलते रहेगा तो आपका मतलब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स,
लगभग मैंने इसे 5-6 घंटे घिसा है। आप एंगर ग्राइंडर से भी घिस सकते हो, लेकिन उसमें पतला होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसमें ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपका जो ये पूरा सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं सैंड पेपर से घिस रहा हूँ। मैं 4-5 घंटे लगभग मैंने घिसे इसे ब्रेक ले लेके, उसके बाद हमारा हुआ। तो फ्रेंड्स लगभग ये 3 mm का है और हमें बहुत छोटा करना है। तो फ्रेंड्स सब मैंने घिस दिया है, लगभग मुझे 5 घंटे मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद हुआ। फ्रेंड्स सिस्टम में कचरे कितना सारा निकला। फ्रेंड्स हम अलग रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ एकदम टाइट है फ्रेंड्स, ये ढीला नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, सबको पूरा खोल लेना है और सबको रखना है। इसके बाद जो मोटर की पीछे हिसाब है उसके हैमर से मार सकते हैं, यहाँ पे हमें मारना है ताकि वो अच्छे से टूट गई है। फ्रेंड्स मैंने इसे निकालने की कोशिश करी बाद में, लेकिन निकला नहीं क्योंकि बहुत ही मजबूत हो गया ये, अभी निकलेगा नहीं। और देख सकते इसका फुल अलाइंड है, जरा सा भी ये डग नहीं मार रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स आपको चला के दिखाता हूँ मैं, देख सकते आप निकाली बढ़ती तो बिल्कुल भी डग नहीं मार रहा है, एकदम अलाइन है, एकदम सीधा घूम रहा है, बिल्कुल भी नहीं डग मार रहा। अगर फ्रेंड्स